जनपद में बाढ़ की समस्या से निपटने के उद्देश्य से प्रदेश के सिंचाई तथा प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह की अध्यक्षता में एक बैठक सर्किट हाउस सभागार में संपन्न हुई। बैठक में एसएसपी शलभ माथुर, सीडीओ अनुज सिंह, एडीएम वित्त एवं राजस्व विधान जायसवाल, सांसद कमलेश पासवान, विधायक डॉ राधा मोहनदास अग्रवाल, शीतल पांडे, संत प्रसाद, महेंद्र पाल सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधि और संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे। बैठक में बंधों के रख रखाव, रेड होल, रेनकट, अतिवृष्टि एवं बाढ़ आदि के कारण ढहे मकानों की सूची उपलब्ध कराने सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की गई। बैठक में प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बाढ़ से निपटने के लिए प्रदेश की योगी सरकार पूरी तरह से तैयार है। प्रदेश में किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए जिलाधिकारी अपनी पूरी कार्य योजना बनाकर तैयार रहें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि बाढ़ राहत और बचाव कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तहसील 3 सैगरवा है सर, ओला है सर, बाकी सर कैप्टन के जिला का मैंने पिछले बार सर आप अपनी बात जहाँ से छोड़े हो वहीं से प्रारंभ कर। इस बार गांव में पूरे जिले में कुछ जनहानि हुई है? जनहानि सर इसी की वजह हुआ है सर, मतलब आकाशीय बिजली से हुआ है सर। आकाशीय बिजली बाढ़ से तो नहीं? बाढ़ से कोई घर गिरे जिससे कोई हुआ है सर? जगदीशपुर में सर करीब 13-14 घर को सर गिर गया सर, तो बाद में 1000 रुपये हम लोग बहुत जल्दी हम लोगों दूसरे जनपद गोरखपुर में कितने घर नष्ट हुए अतिवृष्टि से? अतिवृष्टि और बाढ़ से कितने रेशन मकान जो क्षतिग्रस्त हुए हैं इनको आपने सहायता राशि उपलब्ध कराई है? 100% सर वितरित हो गया है, जो भी सही है अच्छा मकान है। चलो सर, 50,000 झोपड़ी है तो उसका भी सर 2400-4500 इस तरह से हमें मानक है। मुख्यमंत्री आवास योजना के अंदर सर उसके छोड़ के सर मुख्यमंत्री आवास के अंदर 2-3 श्रेणी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बढ़ा दिया सर। खासतौर पर बंटाई गया लोग का है सर जो आवास देने के लिए ताकि वो सूची में नहीं है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसके अलावा जो बाढ़ से ग्रस्त कितने लोग हैं उन लोगों का आवास हम दे देंगे सर, तो उसका 1,20,000 रुपया मिलेगा सर। मैं 1,00,000 किस्त में दे देंगे सर, उस पर सिर्फ वो 24 घंटे के अंदर दे देते हैं। इस पर भी दे देंगे सर, हम लोग 2 किस्त में देते हैं सर। पहले किस्त हम लोग 50,000 रुपये देते हैं, बाकी किस्त हम पहला 40-70-10 सर जैसा प्रधानमंत्री आवास योजना में करते हैं सर, वही सेम किस्त की धनराशि सर इसमें भी दी जाती है सर। और सूची सर जिसको भी तहसील से जिसको भी सहायता राशि दी गई सर आंशिक सहायता राशि उसका सर हम लोग लिस्टिंग कर लेते हैं सर। जितने भी बाढ़ प्रभावित जितने भी गाँव घर ऐसे थे सर सभी की सर सूची को हमने सूचीबद्ध कर लिया है और सभी के लिए सर पैसे भी आ गए हैं सर। हम सब बहुत हो सकते हैं का कोई गाँव ऐसा भी नहीं है जो बाढ़ से घिरा रहता हो? मरुण मरुण सर मरुण नहीं गाँव के लिए हम लोग बोलता कर लिए सर। बारापंकी से हम लोग इस बार चारों पानी भरा सर पक्के मकान नहीं सर छोटी सी गैप है सर उसमें बांध बनाई नहीं है 2 मीटर केवल होता क्या है सर वो महाराजगंज वाले भी जाकर सुनते छोड़ देते ताकि उसको बांधने में महाराज में बांध हो जाता है उसी वजह सर वो छोड़ के रहते हैं दूसरे बार सर उसी को जाती सर बांध कर किसी तरफ कट हो जाता है सर। ये स्टेट लेवल पर पता करा है सर ये भी शायद क्रिकेट होते सर।